बाबलपुर रियासत नवाबों की नगरी और बाबलपुर रियासत हमारे बुज़ुर्गों की धरती। हमने ना नवाब देखे और ना बाबलपुर और ना वो रियासतें, लेकिन हमने उन नवाबों को ज़रूर देखा जो हिंदू नवाब थे और 47 में विस्थापित होकर आज के हिंदुस्तान में आ बसे, जिनसे हमने दास्तानें सुनी, किस्से सुने, कहानियाँ सुनी। और उन कहानियों को कहीं ना कहीं आप लोगों को जब हम सुनाने बैठे तो आप लोगों ने कहा कि कुछ हिंदुस्तानी नवाब यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। और इस तरह से मुझे बहुत सारे ऐसे नवाब मिले जो कहते थे कि हमारी रियासतें आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन हम यहाँ हैं और रियासतें वहाँ। उन्हीं नवाबों में एक नवाब था तोलाराम राजपाल। था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद दिन पहले वो हयात थे और अब नहीं है। तोलाराम राजपाल जी बावलपुर रियासत से आए थे, चकला अब्बास नगर से। और मैंने उनका एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो किया था और इसके लिए मुझे उनके पोते धीरज राजपाल ने बुलाया था। और धीरज ने कहा था कि केशव भाई, मेरे दादाजी बड़ी सारी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। और मैं जा पहुँचा था उनके पास और उन कहानियों के किस्से कुछ यूं भी थे। रियासत जिला बाहौलपुर। अच्छा। रियासत बाहौलपुर जी, तहसील बाहौलपुर, पिंड पुराना जेड़ा है जी, उदा नाम चकला है। अच्छा। बुजुर्ग जितने हैं सब चकले कोई, तो ये नवा हूँ जरा पिंड आई, इधर ना है अब्बास नगर। तो थोड़ा जेड़ा पिंड आई, पिंड का नाम तुसा दस्सा है, उन दे आसे पासे केड़े केड़े पिंड आन? हाँ, उन दे आवड़े साल पहला नंबर इधर लाल सुहारा, बुंगा रमजान खां, जेठे दी माड़ी, गोश नूर मोहम्मद, ये सीधा ये अपनी ही तरफ आ रहे हैं। अच्छा। अखीर आ दे इत भोले वाले तुनी परे चले जाओ। अच्छा। सारे पिंड कोलू डेरा बखा इत रहने वो भी डेरा बखा जैकल बिच गुल डेरा माड़ी कासिम शादी इलायची दी माड़ी। फिर वो जीतन आला हारन आला क्या क्या करें दाई? कुछ नहीं। हाँ, जीतन आने भी ऊँ को हाथ ला के आना। अच्छा। 10 ऊँट बैठा कर दिया। वाह 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 वाह, ये चीज़ा हों जा। अच्छा। भैया लावन लावन कुछ नहीं। अच्छा कह ये रोटी ने चूरे ने कुछ सीरा बना दिता सूजी का, ये पापड़ भून के अगर रख देता, इन बड़ी चीज गिन दी। अच्छा। घोड़ी जेमर घोड़ी को पाते बैठ जाओ। वाह। उठते जेमर बने चांदी दे, ये पैर आने शादी पुनी आई या मेले लगते हैं मुसलमाना दे, दे मेले जाने दे, उस वेले उन्होंने पाया जाता। ते जेड़े जेवर होंगे ये अपने होंगे? हाँ अपने। अच्छा। बनवा के रखे, बनवा के रखे उन्होंने। मेरी शादी तो शाम को 7:30 बजे अस्तबाजी चालू हुई। अच्छा। सवेरे दे 3 बज गए, रात सारी रात चलती रही। लड़की वाले आए, हाथ जोड़िया उन्हें, भी तुम फेरे भी कराओगे या बरात ही दोगे अपने का और मेहरबानी करो। और लेके आ गया। हाँ। जल्दी आया सारे पिताजी को, सारे पिताजी बोल भाई क्या इनाम हो वे? हाँ। इनाम दी बड़ी कीमत, आखिर जी एक उठ दे जो। अच्छा। ले जा। उस वे खुशी है नट मंगवे ने हम एक गाने के। हाँ। नट हो गए या इन्हें को उच्चा देखना होगा तो कंजरी मंगवाने इतने एट एट के आ जाए। हाँ। तो वो थे कंजरियाँ बोल रहे थे। अच्छा। वो पाँच चार चार तरीक। अच्छा। वो सारे पिंडे अपने आप। अच्छा। जनानियाँ वेख दी। अच्छा अच्छा। अरे फलानी छूर चंगी है, रोटी बना के दिए, सिलाई कर, छोकरा पंजवी पढ़ दे उर्दू, चिट्ठी ले गिन दे, बर्ता को तो अगे होने सारा उन्हें। फिर जनानियाँ एक भाई को दस देनी, तो मेरी बहन कह लगी तू तोला बाजे, मैं नान के घर ही फलानी गली दे बेच सामने खोई भी है। अच्छा। तो वो आज तक भाभी से ले ली। अच्छा। मैं क्यों मैं चकले बहने अगे एक काम कर पाले। अच्छा। वो तो गया, वो नाल मेरी साली का घर आई।
अच्छा तो आपको पता कहना आई ना मैं तो खुई देख ली मैं कुंडी खड़काई भगवान ऐसे कहता मेरी साली दा घर आई मेरी घर वाली भी उठी आई बई साली भी उठी आई अच्छा ये हम खोल जा गई हां मैं कुंडी खड़काई अंदरू मेरी घर वाली निकली ते अपना जेड़े तुसा दिसेंदे पे हो घोड़ियां दे ऊंटा दे जेड़े जेवर हां सब ए ओते छोड़ है चाके के नहीं आए मुसलमान खड़े हुए खुला खाला को छोड़ हिंदू एक मुसलमान दस लड़ाई थोड़ा हो सकती है जब मैं उनसे उनके हीरे जवाहरात सोने चांदी और ज़मीन जायदाद की बात करता हूँ तो कहते हैं कि जितने जवाहरात आज हमारा पूरा मोहल्ला अपने शरीर पे डालता है उतने जवाहरात तो हम अपने ऊंट और घोड़ों को डाला करते थे वो कुछ ना कुछ उन्होंने इस तरह से बताया था शादी पुनी आई या मेले मेले लगते हैं मुसलमान मेले जाने उस वे पाया जाता है अच्छा बनवा के रखे बनवा के रखे उन्होंने ते ए घोड़ियां ते ऊंट नचदे भी हन हां अच्छा नगारे आगे साहब सामने नचदिया नहीं और वीडियो जब खत्म हुआ तो दादाजी को लगा कि मैं कोई पत्रकार हूं मैं इसे कहीं अखबार में या किसी किताब में छापूंगा तो उन्हें बाद में ये धीरज ने बताया कि नहीं ये तो मैंने बुलाया है तो कुछ इस तरह के हमारे बुजुर्ग होते हैं जो दुनियादारी से दूर जिन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम उनसे जो बातें कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगी लेकिन हम जो बातें कभी कभी उनसे करते हैं तो वो बातें आप ही के पास आपके बुज़ुर्गों के हवाले से ज़िंदा रह जाती हैं और हमें खुशी होती है कि हम उस परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं और इसी तरह आज धीरज की वजह से मैं राजपाल परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज भले ही हमारे दादाजी चले गए हैं लेकिन उनका ये वीडियो जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जिसके कुछ अंश आप देख रहे हैं ये ज़िंदा है जिसमें हमारे तोलाराम राजपाल जी ज़िंदा हैं हंसते मुस्कुराते मुझे मैंने जब उन्हें देखा था तो उनको देख कर उस वक्त नहीं लगा था कि ये शख्स 90 साल अपनी ज़िंदगी के बिता चुका है यानी कि आज शायद वो 95 साल के होंगे जब वो इस दुनिया से गए होंगे तो भावलपुर रियासत के हिंदू और मुसलमान जितने भी लोग हैं उन सबको ये बताते हुए दुख भी हो रहा है और इस बात का एहसास भी कि आप लोगों को लगा होगा कि हमारा एक और शहजादा चला गया जाना सबने तो तोलाराम राजपाल जी को हमारी श्रद्धांजलि जहाँ भी रहें जिस भी शरीर को वो अपनाएं वो फिर से अपने भावलपुर को ज़रूर याद करें शुक्रिया